गुड मॉर्निंग। एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, इस चैप्टर में अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स पर। केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। थ्री कैटेगरीज में फर्स्ट कैटेगरी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड, मतलब वो सारी रिएक्शन जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, वो सारी रिएक्शन इस कैटेगरी में आएंगी। तो इस कैटेगरी की जो फर्स्ट रिएक्शन है ये हमारी एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। इसमें फर्स्ट टाइप की रिएक्शन एसिडिटी से रिलेटेड है, एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की एसिडिटी। एंड इस एसिडिटी को क्लियर करने के लिए हमारी कुछ रिएक्शंस हैं। नंबर वन विथ मेटल्स, कि हम मेटल्स के साथ किस टाइप की रिएक्शन कराएं। एल्कोहल ROH और इसमें हमने सोडियम की रिएक्शन कराई, तो ये एच को अलग करेगा, सोडियम इस प्लेस पे जाएगा, सो कंपाउंड होगा RONa प्लस H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमने हाफ H2 लगा दिया, तो ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। इस कंपाउंड के नेम पे आ रहे हैं, RO एक्चुअली माइनस है, Na प्लस है, इसे हम पढ़ते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। ये सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा, एल्किल और ऑक्सीजन एल्कोक्सी ग्रुप और ये नेगेटिव साइन है, सो आइड एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। और एक पर्टिकुलर एल्कोहल यदि हमने ले लिया है टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, इसमें यदि मान लीजिए हमने एल्यूमिनियम मेटल की रिएक्शन कराई है, तब भी ये एल्यूमिनियम मेटल इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, उसके प्लेस पे जाएगा। रिएक्शंस इसी कैटेगरी की है, OH बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा है, यहाँ भी OH बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा था। और जो कंपाउंड फॉर्म होगा CH3 होल थ्राइस, थ्री टाइप CH3 है, CO, एंड यहाँ पर हमने होल थ्राइस Al लगाना है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती तो 3 को रसल फॉर्म में, और ये पूरा का पूरा ग्रुप हम ले लेंगे। इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ ट्वाइस लगाए, 3 2 6, सो ये 6 टाइम्स हो जाएगा। एल्यूमिनियम 2 टाइम्स, सो ट्वाइस ले लें, एंड हाइड्रोजन 6 हैं, सो थ्राइस H2 के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। इस टाइप से इक्वेशन की बैलेंसिंग होगी। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 3 9 9 2 18 CH3 ग्रुप्स, सो 1 2 3 CH3, एंड इसमें सामने 6 लगा है, सो 6 3 18 हो गए। कार्बन 6 हैं, 3 2 6 कार्बन हो गए, ऑक्सीजन भी 3 2 6 हैं, 6 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 6 हैं, 3 2 6, एल्यूमिनियम 2 टाइम्स, एल्यूमिनियम 2 टाइम्स, होल इक्वेशन बैलेंस। जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसका नेम क्या होगा, तो एल्यूमिनियम ये तो हमको देना ही है, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, इस कंपाउंड का नेम इस टाइप से दिया जाएगा। फिर एक रिएक्शन हम फिनॉल पर ले लें, फिनॉल इसमें हम रिएक्शन सोडियम की करा रहे हैं, तो सोडियम भी इस एच पॉइंट आएगा, उसके प्लेस पर जाएगा, इट मींस कंपाउंड ONa प्लस H2 गैस लिबरेट हो गई। यहाँ पर भी कंपाउंड के नेम पर आते हैं, ये O नेगेटिव है और Na पॉजिटिव है, सो कंपाउंड को हम बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड, ये सोडियम फिनॉक्साइड है। तो रिएक्शन विद मेटल्स में स्टेप्स, ये थ्री रिएक्शंस थी हमारी। अब आते हैं इसमें नंबर टू पर, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स पर, कि एल्कोहल्स की एसिडिटी किस टाइप से रहेगी। तो एल्कोहल्स में भी जो प्राइमरी एल्कोहल्स हैं, प्राइमरी एल्कोहल लाइक दिस, ये प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल यदि हम ले लें CHOH, एंड टर्सरी एल्कोहल यदि हम लेते हैं तो COH। इस टाइप से हमारे पास ये थ्री डिफरेंट एल्कोहल्स हैं, 1-0, 2-0 and 3-0 एल्कोहल्स, और इनकी हम एसिडिटी कंफर्म करें। एसिडिटी किस बेसिस पे आएगी उस चीज़ को कंफर्म करें, एसिडिटी डिपेंड करती है ये OH बॉन्ड पर, OH बॉन्ड यानी सभी में देखिए OH बॉन्ड है, एंड OH बॉन्ड जो होता है ये पोलर बॉन्ड है, बिकॉज ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो H प्लस का रिमूवल ईजी हो जाएगा। एंड यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप आपको पता है एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, एंड प्लस आई इफेक्ट का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, एंड रिलीज करेगा तो इस कार्बन को देगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर इस ऑक्सीजन की तरफ आएंगे, तो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होगा, एंड ये नेगेटिव चार्ज है और ये शेयर्ड पेयर ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा, तो H प्लस का रिमूवल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब इसकी जो एसिडिटी है ये सबसे ज़्यादा होगी। सेकेंडरी के केस में जाएंगे तो टू एल्काइल ग्रुप है, इसमें ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट है, और जब ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव होगा, ज़्यादा नेगेटिव होगा तो H प्लस का रिमूवल और भी मुश्किल होगा। थर्ड केस में चलेंगे तो थ्री एल्काइल ग्रुप है, तीनों ही प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, तो यहाँ पर जो एसिडिटी रहेगी प्राइमरी और सेकेंडरी की कंपैरिजन में और भी लोअर रहेगी। इट मीन जो टर्शियरी अल्कोहल है ये लोएस्ट एसिडिटी शो करेगा, सेकेंडरी थोड़ा ज़्यादा शो करेगा, प्राइमरी और भी ज़्यादा शो करेगा, तो इस टाइप से ये हमारा ऑर्डर बनता है। अब ये जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, इस प्राइमरी अल्कोहल की हम कंपैरिजन करें वाटर के साथ कि प्राइमरी अल्कोहल और वाटर में कौन ज़्यादा एसिडिक नेचर का है, सपोज मान लीजिए हमारे पास ये कोई बेस है और इसकी रिएक्शन हम वाटर से करा रहे हैं, बेस है, एंड सेम वैसे ही सेम यही हमने बेस ले लिया है और इसकी रिएक्शन हम अल्कोहल से करा रहे हैं, ये हमारा अल्कोहल है, यहाँ पर ये एक्ट करेगा एज एसिड और एसिड में भी ये ब्रोंस्टेड एसिड है, ठीक वैसे वाटर ये भी एसिड है और पर्टिकुलर कौन सा एसिड है, तो ब्रोंस्टेड एसिड है, ब्रोंस्टेड एसिड की जो नेचर है वो ये कहती है कि ये H प्लस को डोनेट करते हैं, ये भी H प्लस को डोनेट करेगा और किसको डोनेट करेगा, तो बेस को डोनेट करेगा, क्योंकि बेस की टेंडेंसी H प्लस को गेन करने की, इसने यदि मान लिया H प्लस गेन कर लिया तो ये आर ओ एच का फॉर्मेशन करेगा और आर ओ एच इसे हम पढ़ते हैं कंजुगेट एसिड, ये कंजुगेट एसिड होता है, प्लस यहां से जब H प्लस निकल जाएगा तो बचेगा OH माइनस, एंड ये जो OH माइनस है इसे हम बोलेंगे कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस हुआ। ठीक वैसे इस केस में चलें, अल्कोहल ने H प्लस डोनेट किया है तो ROH का फॉर्मेशन, ROH ये हमारा होगा कंजुगेट एसिड, एंड एक बनेगा हमारा OR डैश, सॉरी OR माइनस, एंड OR माइनस इसे हम बोलते हैं कंजुगेट बेस, ये हमारा कंजुगेट बेस है, इसका पर्टिकुलर नेम है एल्कोक्साइड आयन, ये एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हुआ, एंड ये जो एल्कोक्साइड आयन है ये हाइड्रोक्साइड आयन से स्ट्रॉन्गर होता है, मतलब ये स्ट्रॉन्गर है हाइड्रोक्साइड आयन से एल्कोक्साइड आयन स्ट्रॉन्गर है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जिससे बना हुआ है, जिस एसिड से बना था, इसका मतलब ये वीकर एसिड है, मतलब जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा ये जो जितना स्ट्रॉन्गर बेस होगा उतना ही वीकर एसिड आएगा, तो ये हमारा वीकर एसिड और इसके कंपेरिजन में ये हमारा लेस स्ट्रॉन्गर है, तो ये जो हमारे पास एसिड होगा ये वीक एसिड और ये हमारा क्या है वीकर एसिड, तो जो ऑर्डर हुआ हमारा एल्कोहल ये लोएस्ट एसिडिक नेचर का है वाटर की कंपैरिजन में, और फिनॉल वाटर से भी ज्यादा एसिडिक होता है, मतलब ये जो एसिडिक नेचर है ये हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस टाइप से शो कर रहा है, एसिडिक नेचर का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब इसी में आते हैं पॉइंट नंबर थर्ड पर, कि थर्ड में अपन बताते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल, फिनॉल की एसिडिटी किस टाइप की होगी, पॉइंट नंबर थ्री, एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स या फिनॉल में एसिडिटी किस टाइप से होगी, फिनॉल में रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, डबल हेडेड एरो ले रहे रेजोनेंस के लिए, लोन पेयर यहां शिफ्ट होगा, शेयर्ड पेयर यहां शिफ्ट हो जाएगा, सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर
कुछ हम इस टाइप से बनाएंगे, ओ सिंगल बॉन्ड एच, ओ पॉजिटिव है एंड शेयर्ड पेयर हमने यहाँ ले लिया, तो ये बॉन्ड्स एज इट इज। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये यहाँ जाएगा एंड ये हमारे पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा, डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, ओ पॉजिटिव, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पाई बॉन्ड ना सॉरी ये हमने माइनस साइन लेना है एंड ये पाई बॉन्ड एज इट इज है इस टाइप से। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस प्लेस पे जाएंगे, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, डबल बॉन्ड ओ एच, ये पॉजिटिव, ये एज इट इज है, ये आया, यह माइनस साइन दिया, फिर डबल हेडेड एरो शेड पर यहाँ शिफ्ट होंगे, ये वापस यहाँ शिफ्ट होगा, वापस एज इट इज बन जाएगा ये, यहाँ से स्टार्ट करें ये पाई बॉन्ड, फिर ये पाई बॉन्ड, फिर यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये सिंगल हो गया ओ एच, लोन पेयर वापस जनरेट हो जाएगी। ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या शो कर रहा है, थ्री स्ट्रक्चर्स में आप देखिए ओ जो है पॉजिटिवली चार्ज है और जब ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज होगा तो शेयर पेयर को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो एच प्लस का रिमूवल इसमें ईजी हो जाएगा और जब H+ का रिमूवल इजी होगा तो ये वाटर की कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा फिनॉल। तो इस टाइप से हमने ये ऑर्डर दिया है, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक, वाटर कम एंड एल्कोहल और भी कम, वाटर से भी कम एसिडिक नेचर का होता है। अब एक चीज और, ये जो फिनॉल है इस फिनॉल में मान लीजिए हमने CH3 ग्रुप लगा दिया है और फिनॉल में हमने NO2 ग्रुप लगा दिया है तो इसकी एसिडिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले तो हमें यहाँ ये देखना पड़ेगा कि CH3 का रोल क्या है और NO2 का रोल क्या है। CH3 शो करता है प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड NO2 शो करता है माइनस आई इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का मतलब है ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, निकालता है कहीं से भी। एंड प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और जब जब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो डेफिनेटली ऑक्सीजन एटम जो होगा ये ज़्यादा नेगेटिव होगा और ऑक्सीजन एटम जब ज़्यादा नेगेटिव होगा तो इसका जो एसिडिक कैरेक्टर होगा फिनॉल की कंपेरिजन में लेस होगा। एंड इस केस में यदि हम जाएंगे NO2 ग्रुप लगा है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो जो ऑक्सीजन है इसका पॉजिटिव चार्ज और बढ़ते जाएगा और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इजीली H+ का रिमूवल होगा, मतलब नाइट्रो ग्रुप वाले जो कंपाउंड्स रहेंगे ये ज्यादा एसिडिक होंगे फिनॉल की कंपैरिजन में। अब इसी में कुछ ऑर्डर भी है कि फिनॉल के जो डिफरेंट कंपाउंड्स है उसमें किस टाइप का ऑर्डर होगा, तो उसको भी हम थोड़ा सा कंफर्म कर लें। मेन हमारे पास फिनॉल ये एंड फिनॉल से थोड़ा सा ज्यादा जो होता है मेटा नाइट्रोफिनॉल ये एसिडिक होगा और मेटा नाइट्रो से ज्यादा हमारा ऑर्थो नाइट्रो होता है और ऑर्थो नाइट्रो से भी ज्यादा हमारा होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल, यानी पैरा नाइट्रोफिनॉल ये सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का है। और वहीं यदि हम चले, यदि हमने इसमें CH3 ग्रुप लगा दिया तो जो हमारे पास मेटा प्लेस पे CH3 लगा हुआ है ये थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक होता है, बट ऑर्थो एंड पैरा प्लेस का जो CH3 है इनका सेम होता है एसिडिक नेचर पैरा प्लेस के, ये दोनों का सेम नेम शायद कंफर्म पैरा क्रिसोल, ये पैरा क्रिसोल, ये ऑर्थो क्रिसोल है, ये मेटा क्रिसोल है, फिनॉल है मेटा नाइट्रोफिनॉल, फिर ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक है और सबसे लीस्ट इसमें आएगा पैराक्रिसोल या फिर ऑर्थोक्रिसोल। तो इस टाइप से ये हमारा ऑर्डर बनता है। तो ये थे हमारा फर्स्ट पॉइंट एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की। अब आते हैं इसी में सेकेंड पॉइंट पर जिसमें OH बॉन्ड का ही क्लेवेज हो रहा है एंड सेकेंड पॉइंट है एस्टरीफिकेशन से रिलेटेड। पॉइंट नंबर टू एस्टरीफिकेशन।
एस्टरिफिकेशन ये आप पहले से ही जानते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, इसी को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। और एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स हमें एस्टर बनाना है। एल्कोहल ले लिया हमने लाइक CH3OH, और इसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं CH3COH की इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड लाइक H2SO4। तो H2SO4 की प्लेस में हमने H+ लिख दिया है। यहाँ से हमने इस बॉन्ड का क्लेवेज पढ़ना है, तो OH बॉन्ड ब्रेक किया और एसिड में से OH को रिमूव किया, सो OH एंड H H2O के फॉर्म में रिमूव होगा। एंड ये जो ग्रुप है CH3CO, इसमें हम अटैच करेंगे OCH3 प्लस वाटर का रिमूव हो गया। इस टाइप से हमने एस्टर फॉर्म किया। एस्टर का नेम मिथाइल इथेनोएट, ये नेम आ जाएगा एस्टर का। तो ये अल्कोहल के टाइप से रिएक्शन हो। अब फिनॉल में कैसी रिएक्शन होगी वो भी देख लें। फिनॉल, एंड इस फिनॉल में हम रिएक्शन करा रहे हैं एसिटिल क्लोराइड की CH3COCl H+ की प्रेजेंस में। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटिल क्लोराइड, और ये एसिटिल क्लोराइड कंपाउंड आपने फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन में पढ़ा है। फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन में दो टाइप आते हैं, एल्काइलेशन एसाइलेशन। तो ये एसाइलेशन में यूज होता है एसिटिल क्लोराइड। तो यहाँ पर ये जो H है, ये H एंड ये Cl, HCl के फॉर्म में रिमूव होगा, ये पूरा ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा। मतलब कंपाउंड कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, O फिर देन CO, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HCl हमने रिमूव किया। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। नॉर्मली हम ये सोचते थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल, इनकी रिएक्शन से ये एस्टरिफिकेशन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एसिटिल क्लोराइड और फिनॉल की रिएक्शन से भी एस्टर बनेगा, तो ये भी हमारा एस्टरिफिकेशन है। और ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ, इसका नेम कंफर्म करें। ऑक्सीजन इस फेनल रिंग से कनेक्ट है, तो हम इसे बोलेंगे फेनल इथेनोएट। ये जो एस्टर होगा इसे हम बोलेंगे फेनल, ये तो इथेनोएट है, टू कार्बन एंड ये फेनल, तो फेनल इथेनोएट एस्टर का नेम। इसी एस्टरिफिकेशन में एक रिएक्शन और भी है, सैलिसिक एसिड। सैलिसिक एसिड हम फॉर्मूला कुछ इस टाइप से लेते हैं। ये हमारा होता है सैलिसिक एसिड। सैलिसिक एसिड को हम ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं, बिकॉज ये बेंजोइक एसिड ऑर्थो प्लेस पे OH लगा है, तो OH को हम हाइड्रोक्सी पढ़ेंगे, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। कमर्शियली इट इज कॉल्ड सैलिसिक एसिड। एंड सैलिसिक एसिड में यदि मान लीजिए हमने CH3CO, CH3COO, एक्चुअली ये कंपाउंड क्या है, तो इसे हम पढ़ते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड है, मतलब टू एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, CH3COH, CH3COH, और इसमें से वन वाटर मॉलिक्यूल हम अलग कर दें। एनहाइड्राइड का मतलब है वन वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल, तो टू मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल अलग कर दिया, तो रेस्ट हमारा यही कंपाउंड बनेगा। कैसे, देखिए CH3CO, CH3CO और एक ओ बीच में आ गए, तो कंपाउंड का नेम हो जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। और ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो यहाँ से हम निकाल लें एच, और ये पूरा पार्ट CH3COOH, एंड ये जो CH3CO है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। मतलब मेन कंपाउंड हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा, बेंजीन रिंग के साथ COOH एज इट इज है, सिंगल बॉन्ड O, O के साथ हमने जोड़ दिया है CO, एंड साथ में आ गया है CH3। रिमूव क्या हुआ है, तो रिमूव हो गया हमारा CH3COH। बेसिकली अभी भी ये सैलिसिलिक एसिड है, फर्क इतना है कि एक एच अलग हो गया, एसिटिल ग्रुप आ गया, इसलिए इस कंपाउंड को हम पढ़ते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एंड ये जो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है, ये एक मेडिसिन का नेम है, इसे हम बोलते हैं एस्पिरिन। ये एस्पिरिन है, एस्पिरिन मेडिसिन को ही हम बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इसका फॉर्मूला ये है, और ये इसके प्रिपरेशन की मेथड है। तो ये भी हमारा एस्टरिफिकेशन ही है। तो ये तीन मेन रिएक्शन हो गई हमारी एस्टरिफिकेशन से रिलेटेड, और ये सारी रिएक्शन में OH बॉन्ड में ही ब्रेकिंग आई है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट हुई।
अब आते हैं हम सेकेंड कैटेगरी पर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में कैटेगरी नंबर टू। तो हम यहां पे टू ना लेके बी लेंगे। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ सी एंड ओ बॉन्ड, सी एंड ओ बॉन्ड में ब्रेक हो रहा है, मतलब सी एंड ओ बॉन्ड में ब्रेक होने से मीनिंग लाइक सी एस थ्री ओ एच, तो इसमें ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इसके पहले अभी क्या हुआ था, ओ आर एच वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इस कैटेगरी में आएगा। इस कैटेगरी की फर्स्ट रिएक्शन विथ एच एक्स, हम एच एक्स के साथ कैसी रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड एल्कोहल, और इसमें यदि हमने एच एक्स की रिएक्शन कराई तो आर एक्स का फॉर्मेशन प्लस वाटर रिमूव हो जाएगा, एल्केन हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। इस पर्टिकुलर रिएक्शन से रिलेटेड एक टेस्ट है, इसे हम बोलते हैं लुकास टेस्ट, एंड जो लुकास टेस्ट है उसमें यूज होता है लुकास रिएजेंट। एंड व्हाट इज लुकास रिएजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। एंड लुकास रिएजेंट का यूज क्या है, इट इज यूज टू सेपरेट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल्स के सेपरेशन के लिए हम लुकास रिएजेंट का यूज करते हैं, और वो जो टेस्ट होता है उसे हम बोलते हैं लुकास टेस्ट। ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल कैसे आइडेंटिफाई करें, तो सपोज करिए कि ये हमारे पास थ्री बीकर्स हैं, एंड थ्री बीकर्स में हमारे पास थ्री डिफरेंट एल्कोहल्स हैं, हमें नहीं मालूम किसमें कौन सा है, और तीनों ही बीकर्स में हमने लुकास रिएजेंट मिक्स करना है, लुकास लुकास एंड लुकास रिएजेंट ये हमने मिक्स कर दिया है तीनों में ही, स्मॉल अमाउंट में हमने मिक्स करना है, और हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन से ऐसा पता चला है कि जो हमारे पास सेकंड बीकर है, सेकंड बीकर में इमीडिएटली ऑयली लेयर का फॉर्मेशन हो गया है, ऑयली लेयर बन गई है, और ये तुरंत बन गई है, इमीडिएटली फॉर्म हुई है। तो हमने तुरंत हमने आइडिया लगा लिया कि ये जो एल्कोहल है ये टर्सरी एल्कोहल है, क्योंकि जो टर्सरी एल्कोहल है उसकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होती है लुकास रिएजेंट की तरफ। फिर हमने थर्ड बीकर को देखा, थर्ड बीकर को देखने पे ऐसा पता चला कि 5 मिनट्स के बाद ऑयली लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, और 5 मिनट्स के बाद ऑयली लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब ये सेकेंडरी एल्कोहल है, क्योंकि सेकेंडरी एल्कोहल की रिएक्टिविटी टर्सरी से थोड़ी कम होती है। फिर हमने कम से कम 15-20 मिनट ले लिए, उसके बाद फर्स्ट बीकर को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें ऑयली लेयर का फॉर्मेशन अभी भी नहीं हुआ, मतलब रूम टेम्परेचर पे ऑयली लेयर नहीं बन रही है, बट इस सॉल्यूशन को जैसे ही हमने थोड़ा सा हीट किया तो ऑयली लेयर का फॉर्मेशन हो गया। इसका मीनिंग ये है कि फर्स्ट बीकर में क्या था, प्राइमरी एल्कोहल था। तो इस टाइप से हम प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स को सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लुकास रिएजेंट। और रिएक्टिविटी यदि हम कंफर्म करें तो टर्सरी एल्कोहल की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सेकेंडरी की और कम, और प्राइमरी की और भी कम होती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स लुकास रिएजेंट। तो ये था हमारे पास विथ एच एक्स के साथ रिएक्शन। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू विथ PCl3, कि भाई PCl3 के साथ किस टाइप से रिएक्शन हम कराएं। एंड PCl3 के साथ रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके थे एल्कोहल्स की, एक बार फिर कंफर्म कर लें। आपको पता है जब भी PCl3 की रिएक्शन होगी तो ऑलवेज H3PO3 कंपाउंड बाहर निकलेगा, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं CO बॉन्ड में ब्रेकिंग हो रही है, तो CO बॉन्ड के साथ R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब OH हटेगा और Cl इसके प्लेस पे आएगा, इट मींस RCl का फॉर्मेशन प्लस H3PO3। फास्फोरस एसिड इक्वेशन को बैलेंस करें तो थ्राइस लगा दें, R3 टाइम तो थ्राइस लगा दिया, H3 है, P1 है एंड O3 है, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब आते हैं थर्ड रिएक्शन पर, थर्ड रिएक्शन का नेम है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स।
नेम से ही क्लियर है कि अल्कोहल में से वाटर को हम निकाल देंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे डिहाइड्रेशन। एंड डिहाइड्रेशन जो होगा ये भी डिफरेंट अल्कोहल्स में होगा अलग अलग ढंग से। डिफरेंट अल्कोहल से मीनिंग सपोज मान लीजिए हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल में हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, 443 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, अब R के प्लेस पर पर्टिकुलरली कोई ग्रुप ले लें, ग्रुप लाइक हमने CH3 ले लिया है, तो रिएक्शन समझना आसान हो जाएगा। OH ये हम यहाँ से अलग करें और यहाँ से H अलग कर दें, तो देखिए H2 रिमूव हो गए, OH अलग हुआ मतलब C एंड O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, मतलब ये इसी कैटेगरी की रिएक्शन है। OH और H अलग हो गया तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन प्लस वाटर रिमूव हो गए, इस टाइप से ये हमारी रिएक्शन बनी। हियर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक्ट करेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में। सेकेंडरी रिएक्शन किस टाइप से होगी, कोई पहले कोई सेकेंडरी अल्कोहल ले ले, ये था प्राइमरी अल्कोहल, अब हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया 2-0 अल्कोहल एंड इसमें हम यूज कर रहे हैं H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड 85%। 85% से मीनिंग आपने ध्यान रखना है, इसका मीनिंग ये है कि 85 ml H3PO4 है एंड रेस्ट जो 15 ml है वो हमारे पास वाटर है। एंड टेम्परेचर है इसका 440 केल्विन, टेम्परेचर भी याद रखेंगे इसमें। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसका मतलब OH अलग हो जाएगा और यहाँ से एक H अलग करेंगे, H2O बाहर, कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन, प्रोपीन यहाँ पर बन गया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। टर्शियरी अल्कोहल में किस टाइप से होगा, CH3C सिंगल बॉन्ड CH3CH3 सिंगल बॉन्ड OH टर्शियरी अल्कोहल, एंड यहाँ भी हम H3PO4 ले रहे हैं एंड H3PO4 हमने लिया तो ये 20% है मतलब माइल्ड है एंड टेम्परेचर है 358 केल्विन, एंड टेम्परेचर भी कम होते जा रहा है। इस केस में भी चले तो OH हमको हटाना है यहाँ से H अलग कर दें, सो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2 ये फॉर्म करें, एक H अलग हुआ तो C और C के बीच में डबल बॉन्ड, इस टाइप से कंपाउंड बना। नेम की जहाँ तक बात है तो ये हमारा प्रोपीन है, नेम तो आप जानते ही हैं प्रोपीन, एंड फर्स्ट सेकंड प्लेस में मिथाइल है, सो 2-methyl प्रोपीन ये बन जाएगा। अभी जो हमारी डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, इस डिहाइड्रेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म किस टाइप से होगी उसको भी हम थोड़ा सा कंफर्म करें। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आती ही है, एंड ये जो मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन की, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स, इसमें बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, बहुत सारी स्टेप्स मीनिंग मेनली 3 स्टेप्स। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। कैसे, मान लीजिए ये हमारे पास अल्कोहल है एंड इसमें हम H प्लस की रिएक्शन करा रहे हैं, एक्चुअली ये फास्ट स्टेप है और इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इसके साथ जॉइंट होगा H प्लस के साथ, तो प्रोडक्ट देखिए 3 वैलेंसी ये हुआ O के साथ H सिंगल बॉन्ड H O प्लस प्लस चार्ज O की तरफ आ जाएगा, तो इसे हम बोल रहे हैं प्रोटोनेटेड। प्रोटोन का होता है H+, H+ मतलब प्रोटॉन और ये अल्कोहल है तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया। द नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 इसका नेम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो ये पूरा का पूरा वैसे ही लेना है हमने, 2 कार्बन वैलेंसीज बताइए, OH यहाँ पे भी H, ये प्लस चार्ज, रिएक्शन साइन, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है बट ये स्लो स्टेप होती है, एंड ये जो शेयर्ड पेयर है ये शेयर्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए तो प्लस चार्ज इस कार्बन की तरफ आ जाएगा,
मतलब थ्री वैलेंसी टू वैलेंसी प्लस चार्ज कार्बन की तरह, बिकॉज कार्बन की वन वैलेंसी शॉर्ट हो गई, कम हो गई, क्योंकि शेड पर यहाँ शिफ्ट हो गया, तो वाटर ने आपको रिमूव करना है, तो इस प्लेस से आपने वाटर को अलग कर दिया। अब ये हमारे पास रिएक्शन आ गई, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। अब आते हैं स्टेप नंबर थर्ड पर। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप का नेम है डी प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन का मतलब है प्रोटॉन को हटाना। तो देखिए कैसे, ये हमारे पास सी, यहां प्लस, रिएक्शन साइन। एक्चुअली सभी प्लेसेस पर एच लगा हुआ है, तो ये जो शेयर्ड पेयर है ये आ जाएगा इस सिग्मा बॉन्ड के साथ। शेयर्ड पेयर यदि सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच हुआ तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये एच और ये प्लस को लेके एच प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, मतलब प्रोडक्ट सी सिंगल बॉन्ड एंड ये डबल बॉन्ड बनेगा सी, टू वैलेंसी वैसी रहेगी, एच और प्लस एच प्लस के फॉर्म में बाहर, मतलब ये बन गया इथीन। इस टाइप से ये रिएक्शन मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन रिएक्शन की। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर फोर्थ पर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी हम कंफर्म करें कि ये सीओ बॉन्ड ही ब्रेक होना चाहिए। फोर्थ नंबर रिएक्शन ऑक्सीडेशन, एंड ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसको भी हम टू क्लासेस में डिवाइड कर दें, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, K2Cr2O7 एक्सेट्रा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरी कैटेगरी हम माइल्ड वाली ले लेंगे। यदि मान लीजिए हमारे पास इथाइल अल्कोहल है और हमने इसमें एसिडिफाइड KMnO4 का यूज किया है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिफाइड KMnO4, मतलब KMnO4 में एसिड मिक्स कर दिए, नेसेटॉक्सिन को फ्री करता है ये, और ये जो हमारे पास अल्कोहल है ये सीधे ही कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, इट मीन CH3COH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे टू कार्बन है तो टू कार्बन वाला ही एसिड बनेगा आपका। एंड ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है, CNO के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, तभी तो फिर ये नया OH ग्रुप वहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप से आपने ये टू कार्बन एटम्स बताना है। अल्कोहल डायरेक्ट ऑक्सीडाइज किसमें हो गया? एसिड में हो गया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वही यदि हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इनकी प्रेजेंस होगी तो क्या होगा? पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते कौन है, तो Cr3 एंड PCC। Cr3 का नेम है क्रोमिक एनहाइड्राइड,